सेव मनी इज टू अर्न मनी, और इसलिए हमारे ऊर्जा की बचत होकर प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और उसी के कारण उन्होंने ये इनिशिएटिव के लिए जो शुरुआत की है वो एमएसएमई के मिनिस्टर होने के नाते मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश में टोटल ग्रोथ में करीब 29-30% एमएसएमई का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अब हमने ये तय किया है कि 50% ग्रोथ पर ले जाएंगे, और दूसरा टारगेट ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अभी 49-50% एक्सपोर्ट है, इसको भी हम 10% और बढ़ाना चाहेंगे। और तीसरी बात जो है एमएसएमई की है कि अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं, इस 5 साल में 5 करोड़ जॉब्स हम ऐड करना चाहते हैं, और ये करने में जो तो दिक्कतें हैं उसमें से 3 प्रमुख दिक्कतें हैं। एक, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में ज्यादा है, चाइना में 8-10% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हमारे देश में 16-18% है, यूरोपियन देशों में ये कॉस्ट 12% है, और जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हैं। और इसलिए खुशी है कि पिछले 5 साल में मैं पोर्ट शिपिंग का मंत्री था, हमने जलमार्ग का विकास किया और ज्यादातर कोशिश कर रहे कि जलमार्ग का उपयोग हो। अब इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग का काम पूरा हुआ है, फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है, फिर ब्रह्मपुत्र का जलमार्ग का ड्रेजिंग पूरा हुआ है, हमने बांग्लादेश में जाकर वहाँ का चितगांव और उंगली दोनों पोर्ट में ड्रेजिंग किया, तो वहाँ भी आप पहुँच सकते हैं, बराक का भी किया है, और अभी दिल्ली से यमुना से निकलकर हम लोग मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से अलाहाबाद, ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया है। तो इससे आसान होगा कि पानी के ऊपर जो जलमार्ग बनेंगे तो रोड पे जाने के लिए 10 रुपये का खर्चा आता है, रेलवे के लिए 6 रुपये आता है, तो पानी के रूप में केवल 1 रुपये आता है, और 1 रुपये में भी हमने ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा फ्यूल बदल जाए। आज जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके बजाय LNG इलेक्ट्रिक और मिथेनॉल और इथेनॉल ये यूज करके शिपिंग में कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम से कम 1.5 गुना होगा। दूसरी जी हमारी समस्या है हमारी कैपिटल कॉस्ट, पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं 2-3% है और कुछ देशों में तो 1% है, और हमारे देश में जो कॉस्ट है वो एमएसएमई के लिए 11-14% पे जाती है, और इसलिए कैपिटल कॉस्ट को कम करना ये दूसरा मिशन हमारे सामने है। हमने इस बार वर्ल्ड बैंक, ADB और KfW से MOU साइन किया है, मिश्रा जी ने इसके लिए विशेष इनिशिएटिव लिए, और काफ़ी बड़ी क्रेडिट लाइन लो इंटरेस्ट कॉस्ट से हमको उपलब्ध हुई है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर कॉस्ट, 11-11 रुपये कॉस्ट है, और आदरणीय मंत्री जी जानते हैं कि अब 2.40 रुपये तक सौर ऊर्जा की कॉस्ट आई है, तो इस देश में अब पावर कॉस्ट को भी कम करने की आवश्यकता है। पावर कॉस्ट में कम करने के लिए जो 2 मार्ग है, पहला जो एनर्जी इफिशियंसी के लिए जो विशेष प्रकार से जो संशोधन हुआ है उसका हम उपयोग करेंगे तो काफी बड़ी बचत होगी, और इसमें मुझे खुशी है कि आज बड़े प्रमाण पर काफी इनोवेशन हुआ है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है, तो आज इसमें काफी बड़ा संशोधन हुआ है, पर जिन्होंने संशोधन किया है वो लोग एनर्जी बचाते समय जो कॉस्ट कोट करते हैं वो थोड़ा स्वाभाविक है, उनकी मोनोपोली है तो उनकी कॉस्ट ज्यादा कोट करते हैं, अगर उनको ज्यादा बिजनेस चाहिए तो उनको और कॉम्पिटेटिव बनना पड़ेगा ताकि MSME उसका उपयोग कर सके, वॉल्यूम में उनको काम भी मिलेगा। और जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ है कि हमने हाइब्रिड कार लाई, 40% बिजली है, 60% पेट्रोल, बहुत सी कार मार्केट में आई जो ईंधन को बचाती है। अभी हमने ये तय किया, अभी एक मॉडल मैंने देखा है कि वो कार में
पेट्रोल और डीजल पर एनर्जी बनती है और उस पर कार चलती है। और अभी तो हम लोग दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं गुड़गांव से नया, उसमें पहले 10 किलोमीटर हम ई हाईवे बना रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक उसके ऊपर जा सके और इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल यूज हो सके। और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये तीनों बातों के साथ रॉ मटेरियल की भी है, लेबर कॉस्ट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर सब जगह पर जितनी कॉस्ट हम कम करेंगे उतना हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है बहुत अच्छा है। केवल हमारे ऊर्जा क्षेत्र में जो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में जो मोटर इलेक्ट्रिसिटी पंप के लिए बिजली देती है, तो मुझे महाराष्ट्र में मालूम है कि 32,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। और बिजली काटना किसानों की हालत भी बहुत खराब है, कुछ राज्य फ्री ऑफ चार्ज बिजली दे रहे हैं और इसके कारण वो तो पैसा कोई भरता नहीं। पर केवल अगर हमने उसमें मोटर पंप बदल दिया तो 80% पावर का सेविंग होगा। तो कुछ राज्यों ने ऐसी योजना लाई है कि पुराना पंप दो और नया पंप लो, तो उससे बहुत करोड़ों रुपए की बिजली बचेगी।